हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। नोवा एग्रीटेक लिमिटेड आईपीओ की आज फाइनल डेट थी, अप्लाई करने की लास्ट सब्सक्रिप्शन डेट थी। इसमें देखेंगे तो सबसे ज्यादा नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर की कैटेगरी भरा है, 233 गुना सब्सक्राइब हुआ है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की कैटेगरी 81 गुना एंड रिटेल कैटेगरी भी 80 गुना भरा है एंड टोटल सब्सक्रिप्शन 113 गुना हुआ है। बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स मिला है इस आईपीओ में। यहाँ पर देखेंगे तो डे वन पर ही 10.31 गुना सब्सक्राइब हुआ था, डे टू पर 35.32 गुना एंड आज फाइनल ये 113 गुना सब्सक्राइब हुआ। लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, शानदार इसका परफॉर्मेंस रहा। लोगों ने भर भर कर पैसा इस आईपीओ में लगाया है क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल हिस्ट्री एंड जीएमपी तीनों ही अट्रैक्टिव दिख रहे थे, बहुत ही शानदार है। इसकी जीएमपी आज के तारीख में देखेंगे तो 20 रुपए है, 20 रुपए पर इसकी जीएमपी ओपन हुआ था एंड 20 रुपए पर स्टेबल है। ना ही इसके जीएमपी में गिरावट देखने के लिए मिल रही है, ना ही वृद्धि देखने के लिए मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से आज इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन बढ़ा है, अचानक से 100 गुना के ऊपर भी निकल चुका है, लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है। जिस तरीके से इस आईपीओ का डिमांड रहा, इसके जीएमपी में वृद्धि होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। लेकिन शायद लिस्टिंग गेन पर इसकी लिस्टिंग 15-20% प्रीमियम ऐड होकर के इसकी लिस्टिंग होना चाहिए, और लिस्टिंग का जो चांस है वो 70% के ऊपर ही इसकी लिस्टिंग होना चाहिए। लेकिन मे भी अभी 3 दिन मार्केट बंद है तो मे भी कुछ निगेटिव न्यूज आ जाती है, तो उसके वजह से अगर इसके जीएमपी में अगर गिरावट देखने के लिए मिलता है तो 4-5% से ज्यादा इसकी जीएमपी में डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। तो अगर डिस्काउंट होकर भी इसकी लिस्टिंग होती है तो 42-43% प्रीमियम के साथ इसकी लिस्टिंग होना चाहिए, 4-5% से ज्यादा इसकी जीएमपी में गिरावट नहीं होना चाहिए, इसका डिस्काउंट नहीं होना चाहिए क्योंकि लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया। इस आईपीओ को भारी डिमांड रहा, 100 गुना से ऊपर इसका सब्सक्रिप्शन हो गया, तो इसमें डिस्काउंट भी होती है इसकी जीएमपी में, तो 4-5% का डिस्काउंट इनफ है। लेकिन इसमें अगर प्रीमियम ऐड होती है तो 15-20% का प्रीमियम ऐड होना चाहिए, 70% से ऊपर ही इसकी लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए क्योंकि लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया इस आईपीओ में। इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो बिजनेस मॉडल भी काफी अच्छा है। ये कृषि इनपुट का निर्माण करती है जिससे किसानों को काफी हेल्प मिलती है कृषि उत्पादन करने में। इसके मुख्य रूप से मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन उत्पाद है, फसल पोषण उत्पाद है, जैव उत्तेजक उत्पाद, जैव कीटनाशक उत्पाद, एकीकृत कीट प्रबंधन उत्पाद, नई प्रौद्योगिकियां, फसल सुरक्षा उत्पाद। लेकिन फसल सुरक्षा उत्पाद है इसका उत्पादन, इसकी जो सहायक कंपनी है नोवा एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड, ये सहायक कंपनी करती है इसका फसल सुरक्षा उत्पाद प्रोडक्ट का निर्माण। नोवा एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड करती है जो इसकी सहायक कंपनियां है, नोवा एग्री टेक का सहायक कंपनी है। तो इसका प्रोडक्ट है काफी अच्छा है, इंडिया का जो भविष्य है, इंडिया का जो नींव है वो किसानों पर टिका हुआ है, और इसका जो प्रोडक्ट है वो किसानों को हेल्प करती है, काफी हद तक हेल्प करती है फसल को उत्पादन करने में, और ये फसल की सुरक्षा के लिए, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए ये उत्पाद बनाती है। काफी अच्छा इसका बिजनेस मॉडल है, यूनिक बिजनेस मॉडल है, सब्सक्रिप्शन भी बहुत ही शानदार हुआ है, इसकी फाइनेंशियल हिस्ट्री भी काफी अच्छा है। 2021 में 6 करोड़ की प्रॉफिट था लेकिन 2023 जाते जाते 20 करोड़ के प्रॉफिट पर पहुंच गया, सीधे तिगुना इसके प्रॉफिट में वृद्धि देखने के लिए मिला। नेटवर्थ हो गया, एसेट हो गया, रेवेन्यू हो गया, सब तेजी से ग्रो किए हैं। फाइनेंशियल हिस्ट्री काफी अच्छा है, काफी बेहतरीन है, बिजनेस मॉडल यूनिक है, बेहतरीन है, जीएमपी भी काफी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। इसकी वजह से लोगों ने इस आईपीओ में अच्छा रिस्पॉन्स दिया और लिस्टिंग गेन भी बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे हैं। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आईपीओ रिलेटेड या फिर बैंक निफ्टी निफ्टी एनालिसिस वीडियो, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।